अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। आपने ये वीडियो देखा, यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने आज सऊदी अरबिया विज़िट किया। सऊदी अरबिया और यूएसए के बीच में बहुत सारी डील्स भी हुई, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरबिया इंडिया से जुड़ी आज की जो ज़रूरी अपडेट है उसको भी जान लेते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया से जुड़ी जो अपडेट है उसकी। इंडिया अभी जो भी जा रहे हैं, आपको सिर्फ एयर सुविधा में रजिस्ट्रेशन करके जाना है। कैसे करना है, आज दोपहर में मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो का हेल्प लेके आप लोग कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। इंडिया जाने के लिए अभी भी रूल जो है नॉर्मल है, सिर्फ एयर सुविधा का रजिस्ट्रेशन ही चाहिए। PCR टेस्ट उनको करा के जाना है जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं। फुल्ली वैक्सीनेटेड वही है इंडिया के लिए जिन्होंने कम से कम दो डोज का वैक्सीन लगाया। अगर किसी ने दो डोज से ज़्यादा ले लिया है, बूस्टर डोज भी ले लिया है, तो ऑब्वियसली वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड है। आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया का ट्रैवल गाइडलाइन कहता है, अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्र 5 साल से कम है, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं भी है, उनका PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो फिर PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत है उनकी। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, पिछले कुछ महीनों में ये फीडबैक मिला है कि एयरलाइंस वाले जिनकी उम्र 5 साल से कम भी है बच्चों की, उनका भी PCR टेस्ट मांगते हैं। तो बेहतर होगा उनका भी PCR टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट में जाइए। बाकी और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा टिकट ये सब पकड़िए, पासपोर्ट, आप आराम से जाओ। सिर्फ एयर सुविधा का फॉर्म वो लोग देखते हैं, साथ में वैक्सीन सर्टिफिकेट वगैरह भी अपना लेके जाना। मंकी पॉक्स का केस मिलने के बाद केरल में साउथ के एयरपोर्ट्स में रैंडम चेकिंग बढ़ा दी गई है। COVID-19 का पैसेंजर्स, जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जा रहे हैं, उनका रैंडम चेक किया जा रहा, कोविड टेस्ट हो रहा। घबराने वाली बात नहीं, आपको क्वारंटाइन में वो लोग नहीं रख रहे। किसी में भी अगर सिम्टम्स मिल रहा या फिर पॉजिटिव पाए जा रहे पैसेंजर, तो उनको होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, कनाडा ने भी फिर से रीस्टार्ट कर दिया है कोविड टेस्ट को। जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जा रहे कनाडा में, इंक्लूडिंग इंडियन पैसेंजर्स भी, उन सब का जो है वहाँ पे कोविड टेस्ट लिया जा रहा है रेंडमली। अभी तो वहाँ पे रेंडम चेक किया जा रहा है। 19 जुलाई से सबका, जितना भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स होगा, मैंडेटरी टेस्ट होगा। जितने भी पैसेंजर जाएंगे सबका कोविड टेस्ट होगा, क्योंकि दुनिया भर में मंकी पॉक्स और COVID-19 के केसेस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। इसके बाद एक अपडेट है सऊदी अरबिया का फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन को लेके। जावाजात के तरफ से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वो एक्सटेंड करेंगे। तो अभी भी सऊदी अरबिया में जिसने भी अपना फैमिली को बुलाया है, वो दूसरा कंट्री भेज के अपना फैमिली मेम्बर को एग्जिट री एंट्री करवा के वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं। तो जिस बंदे का मैंने आप लोगों तक कार्ड डिटेल शेयर किया था, बहरीन का, उन्होंने कल मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि उन्होंने चार्ज जो है घटा दिया है। अगर किसी को वीज़ा के लिए भी रिक्वेस्ट डालना है तो 300 रियाल पर पासपोर्ट वो वीज़ा के लिए चार्ज कर रहे हैं, और टैक्सी के लिए भी जो बहरीन लेकर के जाते हैं आपका फैमिली को, इसके लिए भी उन्होंने चार्ज को 300 रियाल कर दिया है। आप लोगों को हैरानी होगी, ये बंदे को मैंने फ्री में प्रमोट किया, क्योंकि मेरे दोस्त का फैमिली को हम लोगों ने एग्जिट एंट्री करवाया, देखा इनका सर्विस अच्छा था, जेन्युइन बंदा लगा, तो मैंने आप लोगों तक शेयर किया। इवन ये बंदे के पास में मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं था, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में खोज करके मैसेज किया। अब बहरीन का वीज़ा के लिए इन्होंने 300 रियाल फीस रखा है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा, जिनके पास टाइम है, एटलीस्ट 20-25 दिन, एक महीना भी टाइम है ना, तो बहरीन का वीज़ा खुद से आप अप्लाई करो। मेरा दोस्त का मैंने किया था तो 25 दिन में आया था उनका वीज़ा, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे ना तो सिर्फ 90 रियाल में आपको वीज़ा मिल जाएगा, और उसकी वैलिडिटी भी 90 दिन तक रहती है। तो पहले ही करके रख लीजिए, इससे आपका सीधा सीधा 210 रियाल बच जाएगा। अब बात करते हैं US और सऊदी अरबिया की जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में। देखिए, US ने सऊदी सिटीजन्स के लिए वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया है। विजिट वीज़ा की वैलिडिटी पहले 5 साल की रहती थी, अब जितने भी सऊदी सिटीजन्स हैं उनका वीज़ा का वैलिडिटी जो है 10 साल की रहेगी। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हर एक कंट्री का एक डील रहता है कंट्री वाइज। जैसे हम इंडियंस का जो फैमिली विजिट वीज़ा होता है, आप लोग जानते होंगे उसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है, उसी तरह से सऊदी सिटीजन के लिए USA का जिनके पास वीज़ा होगा, जो अप्लाई करेंगे, पहले वो 5 साल का वैलिडिटी रहता था, अब उसको जो बाइडन ने अनाउंस किया है कि 10 साल की होगी। जो बाइडन के विजिट के मौके पर सऊदी अरबिया का एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक डेटा जारी किया है कि कितने सऊदी शहरी ने अमेरिका से पढ़ाई की।
उन्होंने बताया कि पिछले 17 साल में लगभग 1,67,000 सऊदी शहरी ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की यूएसए से, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि अभी भी करीब 21,000 सऊदी के शहरी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये डेटा उन्होंने सिर्फ अमेरिका का बताया है, अमेरिका के अलावा भी सऊदी सिटीजन्स दूसरे देशों में भी बहुत पढ़ाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।